चाहे वो हरियाणा में रह रहा, चाहे वो मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, चाहे राजस्थान में रह रहा, जहां भी वो रह रहा उसका माइग्रेशन 100% जम्मू कश्मीर से 100% परिवर्तन। पहले हम बुद्ध धर्म में थे, बुद्ध धर्म का पतन हुआ, बुद्ध धर्म के पतन के बाद इस्लाम और सिख में हम लोगों ने मेजर कन्वर्शन किया। इसका मतलब हमारे बुजुर्ग समय के साथ परिवर्तनकारी रहे। बौद्ध धर्म भी उन्होंने अपना, इस्लाम भी उन्होंने अपना, सिख धर्म भी उन्होंने अपना, और तमाम परिवर्तन के भी हिस्सेदार रहे। और अपनी जनरेशन को अपनी बहादुरी के दम पे आज इतनी बड़ी कौम को जिंदा रखा कि हम सर उठा के कह सके कि हम जाट। अगर आप किसी दूसरी जाति से पूछे तो पहले तो बताएगा कि नहीं मैं तो हिंदू हूँ, मैं तो मुसलमान हूँ, मैं सिख हूँ, अपनी जाति देर में बताएगा। लेकिन जाट चाहे वो किसी भी जगह आप पूछे, आप 100 सरदार खड़े हो उनसे पूछे, 100 सिखों से आप कौन हो, तुरंत कहेगा जो जट होगा मैं जट। मुसलमान 100 खड़े हो वो तुरंत जो जट होगा वो कहेगा मैं जट मुसलमान। हिंदू 100 खड़े हो उनमें अलग अलग जातियों के हो, सबसे पहले जाट कहेगा मैं जाट हूँ, सबसे पहले। दूसरा सोचेगा जाति बताओ ना बताओ, मेरी जाति छोटी तो नहीं है, कहीं मेरा मजाक तो नहीं उड़ाएंगे। तो ऐसी तमाम प्रतिक्रियाओं के बावजूद भी जाट ने हर धर्म में अपने आप को महफूज रखा, उस धर्म की सेवा की, उस धर्म की मान और सम्मान को बख्शा जिस देश